झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची में जनसंवाद किया। सीएम का जनता से सीधी बात का यह कार्यक्रम सूचना भवन में आयोजित किया गया, जहां सीएम ने मौके पर ही जनता की समस्याओं का निपटारा किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 18 मामलों पर सीएम ने जनता की फरियाद सुनी। रांची में एयरपोर्ट अथॉरिटी के जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम ने उपायुक्त को मामले की जांच कराने के आदेश दिए। वहीं सीएम ने सूचना भवन परिसर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नव निर्मित विस्तारीकरण भवन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही झारखंड सरकार और GVFL के बीच भी करार हुआ। सीएम ने कहा कि आज का युग युवाओं का है और युवा झारखंड इनोवेशन लैब में अपने आइडिया शेयर करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की न्यू इंडिया के कंसेप्ट, उसको पूरा युवा शक्ति ही कर सकते, क्योंकि अभी के जो युवा है उनके पास नए नए आइडिया है, इनोवेशन है, और इसीलिए राज्य सरकार ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई। और आज खुशी की बात है कि एक गुजरात जो बरसों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ जीवी हुई है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे झारखंड के युवा युवा युवतियाँ अपनी आइडिया को इस इनोवेशन सेंटर के माध्यम से राज्य को और देश को आगे ले जाने में काम करेंगे।